हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन मोर वीडियो ऑफ हेल्थ एंड बियॉन्ड, जहां हम मेडिकल साइंस की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन को आपके साथ शेयर करते हैं। आई एम डॉक्टर वैभव विशाल और आज मैं आपसे शेयर करूंगा एक लेटेस्ट मेडिकेशन जो कोविड के अगेंस्ट लड़ने के लिए आज इंडिया में लॉन्च की गई है। इस मेडिसिन का नाम है 2-deoxy-D-glucose या फिर 2DG। तो इस मेडिसिन को DRDO ने अपने लैब में डेवलप किया है। अराउंड 1 ईयर से इसका क्लिनिकल ट्रायल चल रहा था और क्लिनिकल ट्रायल सेकेंड और क्लिनिकल ट्रायल थर्ड के फेवरेबल डेटा की वजह से इसे 1 मई को इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूव कर दिया गया। सो इस मेडिसिन की क्या यूनिकनेस है? सो एक तरफ जहां हम कोविड से लड़ने के लिए बड़ी बड़ी और महंगी मेडिसिन की बात कर रहे हैं, एंटीवायरल्स, इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, वहीं दूसरी तरफ ये मेडिसिन जो कि एक सिंपल ग्लूकोज से डिराइव की गई है, उस मेडिसिन का क्या यूज रहेगा, कितनी इफेक्टिव होगी? बट ये मेडिसिन एक बहुत ही नए तरीके और नोवेल तरीके से कोविड पेशेंट्स पे वर्क करेगी। ये तरीका पहले भी कैंसर पेशेंट्स में और कुछ स्कैन्स में यूज किया गया है, बट कोविड इन्फेक्शन के लिए ये मेडिसिन का तरीका यूनिक और बहुत ही नया है। देखिए, ये कहावत हम सबने सुनी है, लालच बुरी बला है। और ये कहावत कोविड के वायरस ने शायद नहीं सुनी थी, क्योंकि इसी लालच को हम बेस रखते हुए इस मेडिसिन को कोविड वायरस के अगेंस्ट यूज करेंगे। सो बॉडी में अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं जिससे हमारी बॉडी बनती है। सो यहाँ पे हम सेल्स को 2 भाग में डिवाइड करते हैं, एक नॉर्मल सेल्स से हमारी बॉडी चल रही है, और एक इन्फेक्टेड सेल्स जिसमें वायरस का इन्फेक्शन हो गया है। सो जब भी वायरस किसी सेल को इन्फेक्ट करता है, कोविड वायरस उस सेल के अंदर घुस जाता है और अंदर घुस के उस सेल के जेनेटिक मटीरियल की हेल्प से वो अपनी कॉपीज बनाना शुरू करता है। वायरस को लालच है अपनी और कॉपीज बनाने का, जल्दी से जल्दी मल्टीप्लाई करने का, जल्दी से जल्दी बॉडी में अपने आप को और स्प्रेड करने का, और यही लालच हमें उसे कंट्रोल करने में हेल्प करता है। कैसे मैकेनिज्म करता है? जैसे कोई भी एक सेल है, उसकी अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है और वो एनर्जी वो सेल खुद बनाता है, आत्मनिर्भर है। वो सेल वो एनर्जी कैसे बनाता है? वो बॉडी से ग्लूकोज लेता है, बॉडी से ऑक्सीजन लेता है और अपने अंदर एनर्जी को, यानी ATP जो एनर्जी का नाम है, उसको मैन्युफैक्चर करता है। अब एक नॉर्मल सेल की एनर्जी रिक्वायरमेंट मान लीजिए 10 है। सो एक इन्फेक्टेड सेल जो एक वायरस से इन्फेक्ट हो चुका है, उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट कई फोल्ड बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि वायरस उस सेल के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा है, तो सेल को अपना काम तो करना ही पड़ रहा है, प्लस उस वायरस का मल्टीप्लीकेशन भी करना पड़ रहा है। तो अब सिंस इस इन्फेक्टेड सेल की एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, तो उसके रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। रॉ मटेरियल एनर्जी के लिए चाहिए ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन आती है हमारे लंग्स से और हमारे लंग्स में ऑलरेडी इन्फेक्शन है, तो इस वजह से हम ऑक्सीजन डिपेंडेंट हो जाते हैं एक्सटर्नल सोर्स पे, ऑक्सीजन टैंक्स पे जो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सप्लाईज होती है, हमें उससे ऑक्सीजन दिया जाता है, क्योंकि बॉडी की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इतनी बढ़ गई है, हम उसे कंप्लीट नहीं कर पा रहे। दूसरी रिक्वायरमेंट ग्लूकोज, जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं जो ज़्यादा एनर्जी बना रही हैं, वो ज़्यादा ग्लूकोज डिमांड करती हैं, और वहीं पर ये मेडिसिन काम करती है। अभी देखिए, ये मेडिसिन जो है, जो 2-deoxy-D-glucose, ये ग्लूकोज का एक रूप है। ये कुछ काम ग्लूकोज जैसा करता है और कुछ काम ग्लूकोज जैसा नहीं करता है। सो जब ये इन्फेक्टेड सेल्स, जब हम ये मेडिसिन खाते हैं और ये इन्फेक्टेड सेल्स उस ग्लूकोज को लेती हैं, तो जब वो नॉर्मल ग्लूकोज को लेती हैं, तब तो उनके सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं सेल के अंदर और एनर्जी बन जाती है। बट जब सेल के अंदर ये 2-deoxy-glucose जाता है, तो ये केमिकल रिएक्शंस नहीं हो पाते, ये केमिकल रिएक्शंस बीच में रुक जाते हैं, जिससे एनर्जी नहीं बनती है। अब उस इन्फेक्टेड सेल्स के अंदर एनर्जी नहीं है, अब जब एनर्जी ही नहीं है तो वायरस का मल्टीप्लीकेशन भी रुक जाता है। अब जब एनर्जी नहीं है, वायरस का मल्टीप्लीकेशन रुका हुआ है, तो वो सेल बॉडी के लिए यूजलेस हो जाता है, तो बॉडी उसको अपने आप डिस्ट्रॉय भी कर देती है। सो इस वजह से हम वायरस के मल्टीप्लीकेशन को रोक पाते हैं। सो जब वायरस का मल्टीप्लीकेशन रुक गया, तो जो सेल्स ज्यादा ऑक्सीजन डिमांड कर रही थी वो भी कम हो गई। अब जब वो सेल्स कम हो गई, तो बॉडी की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम हो गई। सो बॉडी जो है, अब जो नॉर्मल ऑक्सीजन जो लंग्स ले रहा है, उस पर सर्वाइव कर सकता है। सो जो हम एक्सटर्नल सोर्स ऑफ ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट थे, अब वो खत्म हो गया। सो अकॉर्डिंग टू द DRDO प्रेस रिलीज, जो अभी तक का इस मेडिसिन का डाटा हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू द फेज 2 ट्रायल,
वो ये है कि जिन लोगों को ऑक्सीजन पे डिपेंडेंस थी, इस मेडिसिन लेने के बाद उनकी डिपेंडेंस 2.5 डेज पहले ही कम हो गई। और जो नेक्स्ट ट्रायल हुआ उसके बाद ये कंक्लूजन निकला कि 42% लोगों को ये जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट थी उसे कम करने में हेल्प मिली है। अब ये 42% को समझिए, जब भी कोई ड्रग का, कोई मेडिसिन का क्लिनिकल ट्रायल होता है तो पेशेंट्स को दो भागों में बांटा जाता है। तो इस केस में भी पेशेंट को पहले भागों में बांटा गया जिसको स्टैंडर्ड ऑफ केयर कहा गया। स्टैंडर्ड ऑफ केयर मतलब जो ट्रीटमेंट ऑलरेडी चल रहा है, एक एंटीवायरल, आप जो स्टेरॉइड्स हैं, जो ऑलरेडी मेडिसिन चल रहे हैं। तो फर्स्ट ग्रुप में स्टैंडर्ड ऑफ केयर पेशेंट्स एंड सेकेंड ग्रुप में स्टैंडर्ड ऑफ केयर प्लस ये नई मेडिसिन 2DG। सो जो पहला ग्रुप था स्टैंडर्ड ऑफ केयर, उसमें 31% लोगों को रिकवरी हुई और ऑक्सीजन से छुटकारा मिला। जो सेकेंड ग्रुप था इसमें 42% की रिकवरी हुई और जो एक्सटर्नल ऑक्सीजन था उसकी रिक्वायरमेंट कम हो गई। सो डेफिनेटली देयर इज अ बेनिफिट। अभी इस मेडिसिन को इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूव किया गया है। इसका मतलब जो पेशेंट्स मॉडरेटली या सीवियरली कोविड इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड हैं, हॉस्पिटल में हैं, ऑक्सीजन पर हैं, उन पेशेंट्स के लिए यूज किया जाएगा। अब जैसे जैसे ये मेडिसिन का यूज होगा और क्लिनिकल डाटा आएगा और हम इस मेडिसिन के बारे में समझेंगे, हो सकता है इसके यूज करने का स्पेक्ट्रम को बढ़ा दिया जाए। बट फिलहाल के लिए अभी ये पेशेंट ग्रुप जो मॉडरेटली टू सीवियरली इन्फेक्टेड हैं और ऑक्सीजन पे हैं और हॉस्पिटल में हैं, सिर्फ उन्हीं ग्रुप ऑफ पेशेंट्स में यूज किया जाएगा। सो इस नई मेडिसिन के आने से एक नई होप है। हो सकता है ये मेडिसिन बहुत यूजफुल हो कोविड इन्फेक्शन को मिटाने में। ये थोड़ा सा टाइम देने पर हमें पता पड़ेगा कि अब एक्चुअल में इस मेडिसिन का कितना यूज होता है, हमें कितना यूज करते हैं, किस पेशेंट्स में ये इफेक्ट होती है, कितना इफेक्टिव होती है। आई होप आपको ये वीडियो, जिसमें हमने एक न्यू मेडिसिन के बारे में डिस्कस किया, उसके काम करने का तरीका, उसकी एफिकेसी को डिस्कस किया, आपको पसंद आया होगा। आप इस चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जब हम नेक्स्ट वीडियो लेके आए किसी एक नई इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में तो आप तक वो पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।